अभी तक हमने एस सीखी है और हम आपने फ्रीलांसिंग में यह सीखा होगा कि आपने एस में कैसे अप्लाई करना है लेकिन मैं इस टॉपिक में ये बताना चाहूँगा कि जब आप एस पे अप्लाई करेंगे तो एक मिनट के लिए ख़ुद को उसकी सीट पे बिठाएं और अपने एम्प्लॉयर की नज़र से ख़ुद को देखें या बाकी लोगों को देखें कि जो उसको अप्लाई कर रहे हैं वो क्या चीज़ें नोट करेंगे सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल दूंगा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से लेस लैसपोज के मैं अपवर की बात करता हूँ और एक प्रोजेक्ट ऐसी होगा जिस पर आपने अप्लाई किया है और आप चाह रहे हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए और आपको मैं एम्प्लॉयर बनाता हूँ मैं आप बन जाता हूँ और आपने मुझे जज करना है कि किस तरह से मैंने आपको जॉब भेजी है अब हो ये रहा है कि मैंने जब आपको अप्लाई किया है आपने एस यो हायर करना है तो आपने जब मेरा पढ़ा कंटेंट तो उसमें वो चार पैराग्राफ लिखे हुए थे जो उसको पचास लोगों ने और भेजे हैं तो वो पचास लोगों ने भी सेम वही बातें लिखी हैं या मिलती जुलती बातें लिखी हैं जो आपने लिखी हैं और वो पढ़ने वाला जो है वो परेशान है यानी कि आप इस वक्त हायर कर रहे हैं तो आप परेशान हैं कि भाई मैं इनमें से किस को राइट सेलेक्ट करूँ किस को रॉन्ग सेलेक्ट करूँ तो ये वो चैलेंज आता है उन हायरिंग मैनेजर्स को या उन एम्प्लॉयर्स को जो फ्री की तरफ से आ, कि उनको एक कॉपी पेस्टेड मटेरियल मिलता है और उसके बाद वो उनको लगता है कि ये इसको कुछ आता नहीं है या आता है तो इसको पता नहीं है क्योंकि वो ऐसा सेम कंटेंट सब लोग ही उनको भेज रहे होते हैं और ये सब चीज़ें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है लोगों ने बंदे बिठाए हुए हैं जो कॉपी पेस्ट करके वो सेम प्रपोजल बार 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 फेंक रहे होते हैं तो असल में एस जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है अब्यूज़ हो चुकी है अब्यूज़ से मुराद ये कि उसको इस क़दर लोगों ने अब्यूज़ किया है कि एस सी को ऐसे बेचा जाता है जैसे कि ना ये तो गारंटीड है ना जो आना है और इसमें हम पहले बात कर चुके हैं इसी वजह से क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो बदल जाती हैं लेकिन अच्छा क्लाइंट क्या करता है अच्छा क्लाइंट जब ये चीज़ें सुनता है कि भाई ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको ये कर रहा हूँ तो अच्छा क्लाइंट जो है वो भागता है इन चीज़ों से वो कहेगा अच्छा आप गारंटी दे रहे हैं अच्छा वो आपसे वो, वो ये नहीं समझता कि मैं टाइम जया करूँ इससे ये बात करने के ये झूठ बोल रहा है वो कहेगा ठीक है आपको इग्नोर करेगा साइड पर बाकी लोग जो उससे प्रॉपर उससे रेलिवेंट बात कर रहे हैं जो लॉजिकल बात कर रहे हैं वो उसको रखेगा और आपको ये लगेगा कि आपके लिए ए काम नहीं कर रही आप वर्क फ्लॉप हो गया है आप फ्लॉप हो गए हैं वो एक डिसअपॉइंटमेंट की एक लेर जो चलती है वो फिर चलती चली जाती है कि आपको लगता है कि जी आप में कोई मसला है या आपके स्किल में कोई मसला है असल में मसला यह है कि आपकी जब तक कि आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे मेरे साथ क्या होता है कि मैं क्लाइंट्स मुझे अक्सर कुछ चीज़ें मांगते हैं मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपको ये चाहिए नहीं है जो आप मांग रहे हैं आपको ख़ुद नहीं पता आप क्या मांग रहे हैं असल में ये बड़ा रिस्की आ, काम है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं अब अपने एक्सपीरियंस के इस लेवल पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं उसको एक्चुअली आर्ग्यू कर सकता हूँ मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई मैंने इतने बिजनेस के साथ काम किया है और मुझे पता है कि तुम क्या चाह रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चाह रहे हो ठीक है सो ये लेवल आएगा जब आप भी एक एक्सपर्ट लेवल पर आएंगे जब आप भी चार पाँच साल छः साल दस साल ये काम कर लेंगे कि आपको देख के पता चल जाएगा कि इसकी नीड क्या है और उसका सोलूशन क्या है और ये बड़ा मुश्किल ये मुश्किल काम नहीं होता लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो पचास लोग उसको कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट भेज रहे थे आप वहाँ पर डिफरेंट हो गए उसने कहा कि यार पचास लोग ये वो हैं जो एक सेम कंटेंट भेज रहे हैं लेकिन ये बंदा वो है जिसने मुझसे ये बात की है और वहाँ पर वो आप उसको यूनिक लगेंगे और उसको लगेगा कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है क्योंकि इसने एक्चुअली मेरे मेरे फ़ायदे की बात की है इवन दो कि मे से डिसग्री कर रहा है आपने कहीं पर भी डिसअग्री करना है तो पोलाइटली करना है ताकि वो अफेंड ना हो जाएँ और लिखने में असल में कम्युनिकेशन में गैप ही आ जाता है कि वो आपको शायद सुन नहीं पाएंगे वो आप लिख के अगर भेजेंगे तो वो पढ़ने में किसी भी एंगल से पढ़ सकते हैं तो कोशिश करें कर्टियस रहें ताकि उनको बुरा ना लगे लेकिन आ, कुछ और टिप्स मैं आपको बताऊं तो जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो अगर आपको रखेंगे तो आपको जॉब पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी कि ये कितना क्वालिफाइड प्रोफेशनल है क्योंकि जितनी क्लियर रिक्वायरमेंट्स की डिमांड होगी उतना क्लियर आपको पता होगा कि क्लाइंट को पता है या नहीं पता क्योंकि जो जिनको खुद नहीं पता वो ऐसी जॉब पोस्ट करेंगे जो जिसका ना सर होगा ना पैर होगा लेकिन वो आपसे कहेंगे जी मुझे रिज़ल्ट ला दो तो अगर आप भी ऐसी जॉब पर अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ये होगा कि उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या मांग रहा था और आपको ये नहीं पता आप क्या दे रहे थे अल्टीमेटली वो प्रोफाइल आपकी गंदी करेगा अच्छे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं वो क्लियरली डिफ़ाइंड स्कोप ऑफ वर्क लिखते हैं कि हमें ये 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 चाहिए और हमें ये नहीं चाहिए हम जो बंदा ढूंढ रहे हैं उसमें ये स्किल होगा और वो बंदा खुद बताएगा कि मैं आपके लिए यहाँ हेल्प करूँगा यहाँ पर मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा तो आपको क्या करना है आपको ये सारे स्किल सीखने हैं और आपको वो बंदा बनना है जो आपको एक्चुअली अच्छे लोग आपको हायर करेंगे एक दफ़ा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आप खुद मेडियोकर सर्विसेज देंगे तो आपको क्लाइंट भी मेडियोकर मिलेंगे क्योंकि वहीं पर आपका मैच बनेगा अगर आप एथिकल सर्विसेज देना शुरू करेंगे मेडियोकर क्लाइंट आपसे भागना शुरू कर देंगे जो बचेंगे वो एथिकल क्लाइंट्स होंगे और आपको जब एक अच्छा एक अच्छा क्लाइंट मिल मिल जाएगा तो आपके वो जिंदगी संवर सकता है क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ सात आठ साल से काम कर रहे हैं और उन सात आठ सालों में मैं उनसे इतना बिजनेस कर चुका हूँ जो कि मैंने ओवरऑल दूसरों से इकट्ठे मिला के भी नहीं किया तो एक अच्छा क्लाइंट अगर आपको मिल जाए वो इनफ है अगर वो आपको इतना बिजनेस दे दे तो आपको दस कंपनी के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है सो so, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आपको लोग हायर कर रहे हैं आपने आपने उसको कैसे जवाब देना है पहले ज़रा उसके एंगल से सोच लें कि वो कहाँ बैठा है वो क्या मांग रहा है आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जब आपको ये समझ आ जाएगी तब आप उसको क्या कहते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तब वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ तक कि गूगल ने गूगल ने अपनी एक हेल्प सेक्शन पूरा एक डेवलप किया है जिसमें उसने बकायदा टिप्स लिखी हैं कि आपने अगर किसी एस को हायर करना है तो कैसे करना है उन टिप्स में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है वो ये कि नो वन कैन गारंटी या नंबर वन रैंकिंग ऑन गूगल गूगल ये खुद कह रहा है अपने हेल्प आर्टिकल में कि कोई भी नंबर वन रैंकिंग नहीं दे सकता ये मैंने आपको एक और टॉपिक में भी बात कही थी इसमें मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है आप इस लिंक पे जाएं ये लिंक अगर आपको कोई ऐसा बंदा आता है जो कहे कि जी मुझे नंबर वन गारंटी दो नहीं तो वो बंदा दे रहा है या मैं हम तो ऐसे ही करते हैं या हमें तो ऐसे ही चाहिए उनको आप ये लिंक दे सकते हैं कि भाई आप ठीक कह रहे होंगे लेकिन गूगल के मुताबिक गूगल भी ये कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे गारंटी दे दूँ या जो बंदा आपको गारंटी दे रहा है वो कैसे दे रहा है उससे पूछें भाई कि गूगल ये जो कह रहा है ये क्यों कह रहा है सो so एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक और उन्होंने बोला है कि एस सी ओ फम्स और जो एजेंसी से उनकी जो ई मेलें आती हैं आउट ऑफ द ब्लू अक्सर क्लाइंट्स को क्या होता है कि रोज़ाना पंद्रह बीस पंद्रह बीस अगर आपका भी ईमेल कहीं वेबसाइट पे लगा हुआ है तो आपको भी पंद्रह बीस रोजाना की ईमेलें आ रही होंगी कि वो कहेंगे जी आपकी वेबसाइट तो बड़ी अच्छी है लेकिन इसमें ये 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 मसले हैं हम आपकी वेबसाइट ठीक कर देंगे और नीचे एक प्रपोजल होता है उसमें काफ़ी डिटेल्स दिखी हुई होती हैं और एक पी अटैच होती है जिसमें उनकी प्रोफाइल होती है ये सब चीज़ें जो हैं ये सब साथ हो रही होती हैं वो स्पैम ई भेजते हैं मैथ ई करते हैं और वो सबको स्पैम जा रहा होता है इस तरह से कोई क्लाइंट खराब होगा तो ही फंसेगा अच्छा क्लाइंट कभी भी ऐसे लोगों को हायर नहीं करता गूगल इंटरेस्टिंगली इस आर्टिकल पर जब आप जाके पढ़ेंगे तो गूगल इंटरेस्टिंगली एग्ज़ाम्पल देता है कि कहता है हमें भी लोग आके ये कहते हैं कि गूगल नीचे जा रहा है तो हम आपको गूगल की वेबसाइट अच्छी करके ऊपर रैंक करा देंगे तो इमेजिन करें आयरनी कि स्पैमिंग के हद तक चल रही है और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अब्यूज़ किया गया वर्ड तो आपने अगर इस डाइसपोरा से बाहर निकलना है यानी कि आपने इस कम्युनिटी से बाहर निकलना है कि आपको लोग घटिया ना समझें आपने एथिकल जाना है आप उनसे कहें कि ये चीज़ें गलत हैं जो गलत हैं वो गलत हैं हम ये ना देते हैं ना हम ये करते हैं ना हम एंडोर्स करते हैं ये चीज़ें ठीक हैं और हम यही करेंगे इससे क्या होगा कि आप एक उस कम्यूनिटी में आ जाएंगे जहाँ पर आप इन इस कचरे से बाहर आ जाएंगे और ये लोग जो मार्केट ख़राब कर रहे हैं ये लोग उनके लिए ठीक हैं जो गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये गलत एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी भी हो जाती हैं और बाद में वो इनके एक दूसरे की प्रोफाइल ख़राब करते हैं आई डोंट नो मसले होते हैं अगर आप क्लाइंट को सीरियसली ऑनेस्टली uh, ये बता दें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता किस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी क्या हम देंगे क्या नहीं देंगे ऐसी वो जादू नहीं है एक एफर्ट है एक एक पूरा प्रोसेस है तब जाकर जो है वो क्लाइंट भी समझेगा और अगर अच्छा क्लाइंट होगा ऑलरेडी उसको पता होगा कि आप ये जॉब जो, जो दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं वो उन लोगों से भागना चाह रहा है जो उनको वादे कर रहे हैं कि भाई हमें तीन महीने छः महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो हम तुम्हें ऊपर लेंगे ले आएंगे ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली वैलिड नहीं हैं तो वो आपको प्रेफर करेगा उनके ऊपर और आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली बन जाएगी इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्वालिटी का फुकदान है मार्केट में आप देखें अगर आप लोकल पाकिस्तान की एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो कहीं एक अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाए ना तो इस कदर वहाँ लाइनें लग जाती हैं लोग रात को सुबह चार बजे जो है वो जाते हैं समोसे लेने के लिए कहीं पापड़ियाँ लेने के लिए ये क्यों होता है वो इसलिए होता है कि बाकी लोग जो बैठे हैं ना उनको जुगाड़ू जो, जो है ना काम आते हैं जो एक बंदा जो अच्छा काम करता है उसको मार्केट भी अप्रिशिएट करती है और फिर वो चलता भी है तो आप ये ये लाइफ ये जो असूल है अपनी लाइफ में एग्जाम्पल करें कि आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हो और आप डिसाइड करें कि भाई मैंने कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना ये तब होगा जब आप अपनी एक नेश बनाएंगे जब आप कहेंगे कि मैंने अच्छा काम देना है और मैं अच्छा काम करूँगा शुरू में शायद आपको मुश्किलें आएँ लेकिन अल्टीमेटली एक वो जो मरहला निकलेगा आपको जब लोगों को पता होगा कि अच्छा काम करना है तो इससे करवाना है बाकी सारे तो ऐसे ही हैं आपने बाकी सरों में रहना है या आपने वो सच्चे में रहना है ये आपने डिसाइड करना है